सेंट्रल बैंक व केलाबाड़ी व्यापारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में डिजिटल लेन देन में हो रही धोखाधड़ी से बचने के लिए ग्राहकों एवं व्यापारियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। सेंट्रल बैंक व केलाबाड़ी व्यापारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में दुर्ग के केलाबाड़ी चौक पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सेंट्रल बैंक दुर्ग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आए हुए लोगों को जागरूक करने टिप्स बताए गए। वहीं केलाबाड़ी व्यापारी संघ द्वारा आम लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचने उपाय बतलाए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसा है जो आज कार्यक्रम केलाबाड़ी व्यापारी संघ द्वारा जो कराया गया, ये वाकई में तारीफ के काबिल है। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से, हमारे केलाबाड़ी व्यापारी संघ के अध्यक्ष छत्रसाल जी गायकवाड़ और हमारे संरक्षक व्यापारी संघ के संजय सिंह जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष भी हैं, इनका एक प्रयास रहा है कि व्यापारी के अलावा जो आम नागरिक हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये साइबर जो क्राइम है, ये किस्म का साइबर क्राइम ही है, इससे कैसे बचें, कैसे धोखाधड़ी से शिकार हो रहे हैं जो लोग एक रुपये का पेमेंट। जो कार्यक्रम था केलाबाड़ी व्यापारी संघ द्वारा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित था, उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर साहब थे, चैम्बर के दुर्ग जिला के अध्यक्ष थे, मैं था और MIC मेंबर कुंवर जी थे। यहाँ पर ये शिविर इसलिए आयोजित किया गया था कि आजकल बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में सुनने में देखने में आ रही है, उससे कैसे बचा जाए या यदि कोई उसका शिकार हो जाता है तो उसके पैसे कैसे वापस मिल सकें उससे, इसको लोगों को जागरूक करना, समझाने के लिए ये आज का शिविर आयोजित किया गया। लोगों को कि वो खुद जागरूक बने इसमें, जैसे OTP वगैरह मोबाइल पे कोई मांगता है तो उसको शेयर ना करें, अपना ATM कार्ड अपने खुद इस्तेमाल करें, अपना नेट बैंकिंग का जो ये है अपना खुद से इस्तेमाल करें, किसी से अपना पासवर्ड शेयर ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जागरूक रहें। अगर कुछ भी अगर होता है, धोखाधड़ी अगर हो भी जाता है तो तुरंत इमीडिएट जो है बैंक को सूचित करें। अगर आप तुरंत इमीडिएट सूचित करते हैं तो 7-8 दिन में पैसा वापस आने की गारंटी होती है। अगर उसमें जितना आप लेट करेंगे उतना ही लेट होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गा से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।